हम लोग बोलते क्यों नहीं कि रिकॉर्डिंग करना है, ये वाले ग्राफ लिख रहे हो लेकिन बोल भी तो दो कि सर ये वाले तो रिकॉर्ड करो, अब ये तो पहले नहीं पढ़ा था ना। तो ये ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मतलब ये ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा वर्सेस आर के ग्राफ बताएगा। तो फंक्शन मतलब पहले एक छोटा, फिर बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो फंक्शन हो गए डिस्टेंस के। So that is about the graph. अपन से ये पूछेंगे तो बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कभी कभी अगर वो ऐसे बना के अपन को कंफ्यूज करें तो आप कंफ्यूज नहीं होना भाई, कि मतलब हो सकता है अपन को 2s ऐसे बना के दे दें कि दिस इज द ग्राफ फॉर 2s। तो कोई बात नहीं, आपने दो क्वाड्रेंट बना दिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ तो मैं एक ही क्वाड्रेंट से पढ़ूंगा जैसे मैंने बताया था। अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, अगर एक से ज्यादा क्वाड्रेंट बनेगा तो अपन कंफ्यूज नहीं होंगे। सो दीज आर द ग्राफ्स। अब ये तो ग्राफ था, आप ग्राफ को एक दो बार और देखोगे तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है क्या पूछा जाता है और मुझे कैसे बताना होता है, बता दें। सर तो ऐसे वो पेपर पे ड्रॉ होगा तो 2s और 3p में डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई करें? तो बता देंगे ना अपन कि भाई दोनों के ग्राफ एक जैसे हैं 2s और 3p के, तो लेकिन उनमें एरिया अलग अलग होगा ये बता देंगे, पर वॉल्यूम दोनों के अलग अलग होंगे वो बता देंगे, है ना। तभी तो मैंने कहा कि अपन से पूछ भी सकते हैं, बताओ किसके ग्राफ एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। किस सबशेल्स के ग्राफ बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल विल हैव सेम ग्राफ, तो अपन बताएंगे। 1s, 2b, 3d, 4f, इस टाइप से सेम। अब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको देयर आर सर्टेन रूल्स जो अपन को पढ़ने आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो एक रूल तो मैंने आपको बताया था, आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एंड n प्लस l रूल, ये बताने की जरूरत नहीं, इसमें अपन लिख सकते हैं। और एक रूल मैंने आपको बताया था हंट्स रूल, हंट्स रूल में था कि भाई पेयरिंग विल ऑनली टेक प्लेस व्हेन ईच ऑर्बिटल ऑफ द सबशेल विल हैव एटलीस्ट वन। हां बिल्कुल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अपन ने लिखा था। और थर्ड वन इज पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीस प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं अपन, कभी कभी वो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऐसे लिख देते हैं तो अपन वो कर लेंगे। तो थर्ड वाला अपन ने नहीं पढ़ा था, तो अब अपन थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। तो मैं थर्ड वाले को डिस्कस कर देता हूँ, पॉलीस प्रिंसिपल। पॉलीस प्रिंसिपल होता है द टू इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब एक बॉक्स। So the two orbital, the two electron in the orbital, cannot have same value for all four quantum numbers. Same value for all four quantum numbers. Same value for all four quantum numbers. It cannot have same value for all four quantum numbers. So that cannot have same value for all four quantum numbers. ठीक है? तो वो तो अपन को पहले से ही पता है, इसमें बनाने की क्या जरूरत भाई। अगर n, l, m सेम हो भी गए तो s तो सेम हो ही नहीं सकता, तो मैं पहले से था उसको ऐसे नहीं लिख सकते कि they cannot have same value for spin quantum number, नहीं ऐसा नहीं लिखा।
अपन जिनके जैसे एग्जांपल लेते हैं सर, ये क्या है मुझे समझा नहीं अभी भी। चार क्वांटम नंबर्स लिखे थे अपन ने। नहीं नहीं सर, ये पॉलीज़ एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो वही तो समझा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल है ना। तो अपन लिखेंगे फॉर एग्जांपल में, दैट इज इफ वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, चलो नाइट्रोजन ही ले लेता हूँ एस। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो होता है 7 होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, तो मेरी मर्जी मैं ऐसे लिख लेता हूं। और मैंने तुमसे कहा कि बताओ क्या गलती है इसमें, तो तुम कहोगे कि सर पहली बात तो ये कि एस में कभी 7 इलेक्ट्रॉन आते नहीं है। तो अपन कहेंगे नहीं मेरी मर्जी, मतलब ऐसे लिखा तो अपन कहेंगे अगर आप ऐसे लिखोगे तो एस का एक ऑर्बिटल होता है, और एक ही ऑर्बिटल में अगर आप 7 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो आपको ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे। वो कैसे भी रख सकते हो, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। अपन कहते हैं मेरी मर्जी मैं तो ऐसे लिख लूंगा, आप ऐसे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन कहेंगे देखो सर अगर आप ऐसे लिखोगे और ये 1s है 7, इसलिए ऐसे लिख रहे हो, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू 1 होगा नंबर फॉर द शेल, l का वैल्यू 0 होगा वो s के हिसाब से, m का वैल्यू 0 होगा क्योंकि l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू ये है, और इसके लिए +1/2 ऊपर की तरफ एरो है तो ऊपर +1/2 लेते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है तो अपन कहते हैं कि उसके लिए n का वैल्यू 1 हो जाएगा, m का l का वैल्यू सिंस वो भी s में प्रेजेंट है तो l का वैल्यू 0 हो जाएगा, m का वैल्यू 0 हो जाएगा, s का वैल्यू -1/2। लेकिन अगर आप ये लिखोगे तो इसके लिए n का वैल्यू 1 होगा, l का वैल्यू 0 होगा, m का वैल्यू 0 होगा और s का वैल्यू +1/2 होगा। तो अपन क्या कहेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन का और इस इलेक्ट्रॉन का चारों वैल्यूज जो क्वांटम नंबर्स के हैं वो सेम है। अगर सेम है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। कभी भी किसी भी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनके लिए चारों वैल्यूज क्वांटम नंबर के अलग अलग होने चाहिए। जैसे अगर ये और ये होता तो अपन कहेंगे अगर इसमें 1s लिखते अपन तो इसके लिए अपन को पता है आप अगर 1s है तो n का वैल्यू 0 लिखोगे, l का वैल्यू 0 लिखोगे, m का वैल्यू 0 लिखोगे लेकिन s का वैल्यू +1/2 लिखोगे, और इसके लिए n का वैल्यू 0 लिखोगे, वैल्यू 1 होगा ना, n का वैल्यू 1 हो गया, m का वैल्यू 0 हो गया और s का वैल्यू 1/2 हो गया। तो एटलीस्ट ये तो अलग अलग हो ही जाएगा ना, चारों क्वांटम नंबर्स का वैल्यू सेम कैसे हो सकता है किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये प्रिंसिपल से अपन ये बता सकते हैं कि एक ही ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने एक ही ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखे तो फिर वहां पर क्या हो सकता है, एक से ज्यादा क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम हो सकता है। तो अपन ये बता सकते हैं कि हंट्स रूल दैट इज पॉलीज़ प्रिंसिपल एक्सटेंड्स दैट एन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो चारों क्वांटम नंबर के वैल्यूज एक जैसे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप किसी भी सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उससे ज्यादा रखते हो तो फिर मैं कहूंगा यू आर वायलेटिंग द पॉलीज़ प्रिंसिपल। तो आप एस में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, पी में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, डी में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, एफ में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। अगर आप एस में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखोगे तो फिर ऐसे कंडीशन बनेगा, और अगर ऐसे कंडीशन बनेगा तो ये कंडीशन बनेगा। इसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के चारों वैल्यूज क्वांटम नंबर्स के अगर से चारों क्वांटम नंबर्स के वैल्यू सेम हो सकते हैं एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए, देन दैट इज रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज पॉलीज़ प्रिंसिपल। द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैनॉट हैव सेम वैल्यूज
और ऑल फोर क्वांटम नंबर्स। किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स के वैल्यू दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकते, दैट इज पॉलीज प्रिंसिपल। सर हाँ बोलो सर, पूरे एटम में भी कभी भी दो इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते ना? नहीं, मैंने तो आपसे मतलब पॉलीज बताया, मैंने बाकी कुछ भी नहीं बताया, मैं तो पॉलीज प्रिंसिपल को बता रहा हूँ बस। सर ने वो पॉलिस प्रिंसिपल में लिखा ना कि ऑर्बिटल में सेम नहीं हो सकते, वैसे तो एटम में भी अप्लाई करता है मतलब सेम नहीं हो सकते चारों वाले। ना मैंने एटम की बात ही नहीं की, मैं तो एटम की बात ही नहीं की। सर क्या कभी किसी ऑर्बिटल में ऐसा हो सकता है कि एन एल और एम अलग अलग हो एक ही ऑर्बिटल में? एन और एल अलग अलग हो? एन एल एम अलग अलग नहीं हो सकते ना? क्यों नहीं हो सकता? एन का वैल्यू 3 है, एल का वैल्यू 1 है, एम का वैल्यू 0 हो सकता है, क्योंकि एल का वैल्यू होता है तो एम का वैल्यू होता है प्लस माइनस एल इंक्लूडिंग 0। हाँ सर ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको ज्यादा वैसे नहीं बताया, मैं सिर्फ उस सेंटेंस पे फोकस करना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ भी इधर उधर लिखते हो तो उसमें मुझे पता चल जाएगा कि आप किसी भी सबशेल में अगर उसके जितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं उससे ज्यादा लिखोगे तो मैं हमेशा बता दूंगा पॉलिस प्रिंसिपल को स्पॉइलेट करके। अगर आप इस टाइप से कुछ करोगे तो मैं बता दूंगा कि भाई आप हंस रूल को वायलेट कर रहे हो। जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते। बाकी एन प्लस एल रूल आपको पता है हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सो नाउ वी विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल्स, आयंस एंड नॉन मेटल्स। सो ठीक है, नॉन मेटल्स ऐसे लिख देता हूं, अब लिखेंगे एक तो जैसे फॉर क्लोरीन एटम। अगर अपन क्लोरीन एटम की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर इज 17। 17 होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये नियरेस्ट नोबल गैस लिखना होता है नियरेस्ट, तो नियरेस्ट में अपन कहेंगे भाई इन 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अपन नियॉन लिख लेते हैं और बाकी अपन ऐसे लिख देते हैं 3s2, 3p5। That can also be the electronic configuration और वो करेक्ट होगा। वो 10 इलेक्ट्रॉन मैंने सिर्फ, आप ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन एक हीलियम, एक हीलियम, एक हीलियम इधर लिख देते हैं बाकी बोल देते हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको नियरेस्ट लिखना होगा। जैसे 17 था तो 17 से कम किस नोबल गैस का एटोमिक नंबर होता है, और अगर ऐसे है अपन कहेंगे अच्छा एंड फॉर सी एल माइनस आइन तो इसमें तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 1s2, 2s2, p6, 3s2, इसमें P6 हो जाएगा, तो अपन कहेंगे सर आर्गन है ऐसे लिख दो 18, क्या प्रॉब्लम है, तो 18 होते ही है, नहीं ये गलत हो जाएगा, हमने कहा था आप नियरेस्ट लिखना, मैंने ये थोड़ी कहा था कि अगर 18 आ जाएगा तो उसी को लिख देना, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे नियॉन, और फिर अपन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो अपन लिखेंगे भाई 3s2 P6। आप ऐसे भी कर सकते हो कि बार बार 2 नहीं लिखना है तो आप इसको हटा सकते हो, बार बार नहीं लिखना है, ये थर्ड शेल के एस और पी हो गए, ये सेकंड शेल के एस और पी हो गए, ये फर्स्ट शेल में सिर्फ एस होता है, अब वैसे भी लिख सकते हो, ये गलत नहीं है, मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा तो गलत है, नहीं लिखोगे तो भी सही, मतलब एक ही बार अगर 3 लिख लो और इसको मत लिखो तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अगर बीच में आपने क्वांटम नंबर नहीं लिखा है इसका तो वो इससे पहले जो भी क्वांटम नंबर लिखा होगा वो मान लिया जाएगा, मतलब ये 3s भी है और 3p भी है। अगर मेरे पास सपोज करते हैं अपन मैग्नीशियम के बने हैं तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना सेकंड मैग्नीशियम लिखते हैं, Mg is equal to 12 होता है तो 1s2, 2s2, p6 और 3s2 होता है, तो अपन इसको भी नियॉन लिख सकते हैं और इसको अपन 3s2 लिख सकते हैं, और अगर मैग्नीशियम प्लस 2 लिखूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करूंगा तो फिर मैं 1s2, 2s2, p6, तो अब मैं इसको आइंस हो गया ना, ये तो मैग्नीशियम आइन, अब मैं इसको नियॉन नहीं लिख सकता क्योंकि अब तो इसमें 10 ही बचे हुए ना, तो आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा नोबल गैस के बाद, अगर सिर्फ नोबल गैस लिखोगे तो वो गलत है,
आप नियरेस्ट इसमें इसको हीलियम लिख सकते हो और फिर ये लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, दिस इज नियरेस्ट, हीलियम से तो सिर्फ टू आएंगे, तो टू एस टू पी सिक्स लिखना पड़ेगा। अगर अपन सपोज करते हैं कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, मेरे पास गिवन है दूसरे एलिमेंट में, सपोज अपन लिखते हैं ऐसे, थर्ड विल रीड दैट, सपोज मेरे पास Fe गिवन है, Fe में मैं क्या करूंगा 26 होता है, तो 1s2 2s2p6 3s2p6 4s2 3d6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब मैं ये नहीं कह सकता कि 3 यहां लिखा हुआ था तो यहां नहीं लिखते, नहीं, बीच में 4s आया तो आपको 3d लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू आपको प्रिंसिपल मैंने लिखा। यहां तक अगर आप काउंट करोगे तो ये 18 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज आर्गन, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4s2 3d6 दैट कैन बी द इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको लिखता हूं Fe+2, आयरन प्लस टू होता है, दैट इज कॉल्ड अ फेरस आयन, तो अपन लिखेंगे 24 और ये 1s2 2s2p6, तो मैं इसको आर्गन डायरेक्टली लिख लेता हूं, ये AR हो गया, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मेरे पास था 4s2 एंड 3d6, ये तो था अपना जब अपन ने आयरन लिखा था। अब अपन दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, जब आप दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो अपन को इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करना है, तो आप एक बार बताओ, अगर मेरे पास सपोज ऐसे चार शेल्स हैं 1 2 3 4, तो थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा, इसका इसका अट्रैक्शन होगा, इसका इसका अट्रैक्शन होगा, तो थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है या फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है? सर फोर्थ, फोर्थ शेल से। तो फोर्थ शेल से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है तो अपन ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे, तो फिर अपन इसको लिखेंगे दिस इज जीरो, तो अब जीरो है तो फिर उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब वी कैन राइट लाइक दिस ना, कि भाई इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं AR, यहां 18 है अपने पास और 3d6 ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। मतलब आपको हमेशा जब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको हमेशा यह देखना है कि किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ नंबर फॉर द शेल है, मतलब क्वांटम नंबर का वैल्यू किस में सबसे ज्यादा है, तो इसमें 4 था तो अपन वहां से। सर बोलो सर, इसको ऐसे नहीं सोच सकते कि 4s2 से निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ऐसे सोचोगे क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा होती है 3d6 के कंपैरिजन में। एनर्जी ज्यादा होती है तो फिर कम, एनर्जी ज्यादा होती है तो फिर ज्यादा क्यों लगेगी? भाई एनर्जी अब देखना, एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या है? मतलब इसका इसके साथ अट्रैक्शन कम है, यही तो हुआ ना एनर्जी ज्यादा होने का मतलब। हाँ सर समझा। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है Fe+3 गिवन है, तो ये 23 हो जाएगा, 23 में मैं लिखूंगा AR 18 हो गया। अब 23 के लिए मैंने दो इलेक्ट्रॉन तो इससे निकाले और एक इससे, तो 3d5 हो जाएगा। तो आप तीन इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे ना Fe से, ये न्यूट्रल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये है, तो जब तीन इलेक्ट्रॉन इससे हटाने हैं तो दो इलेक्ट्रॉन अपन इससे हटाएंगे और दो के बाद एक इलेक्ट्रॉन 3d से हटाएंगे, तो बचेगा क्या 3d5 बचेगा। सर आप इसे रिपीट कर सकते? मतलब किसको रिपीट? ये वाला सर, Fe+3। अच्छा बताओ, अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक और निकालना है तो किससे इलेक्ट्रॉन निकालूंगा? 3d6 से ही तो निकालूंगा, तीन इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसमें से दो निकाल दिया, इसमें से एक निकाल दिया, तो d5 आ गया अपने पास, तो 3d5 बच गया अपने, है ना? Okay. तो बनने वहां से निकाल दिया। अब तुम बताओगे मुझे ऐसे, हाँ फोर्थ वाले में मान लो मेरे पास गिवन है कि Ni गिवन है मेरे पास, और Ni होता है 28, जरा जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो और Ni+3 लिखो, जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो, इनके क्या क्या होंगे जरा जल्दी से।
सर 4s2 और 3d8। ठीक है, अब अगर ni plus 3 लिखना है तो क्या करेंगे अपन, ar लिखेंगे, 18 हो गया, 4s2 हो गया और 3d7 आएगा, तो ये वाला तो हट जाएगा तो 0 हो जाएगा, और इसको एक और 3d7 ले दिया। ठीक है ना, अब एटम्स के कुछ नेचर्स भी बता सकते हैं अपन, कैसे अगर अपन कहेंगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपन ऐसे नेचर ऑफ एटम बता सकते हैं, दैट इज तो अपन को ये तो पता चल गया कि भाई एक बात हमेशा याद रखो कि ओनली फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक बात हमेशा याद रखो कि ओनली फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी हैव टू फॉलो द आर्कबर्ग प्रिंसिपल, मतलब 4 पहले आ रहा है 3 बाद में आ रहा है फॉर सब शेल्स, ओनली फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन सब शेल्स की एनर्जी को n प्लस l रूल से कैलकुलेट करते हैं, फॉर ऑल अदर स्टडीज एक्सेप्ट फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फॉर ऑल अदर स्टडीज We follow the shell rule. Shell rule का मतलब हो गया कि अगर हमें कोई भी प्रॉपर्टी पढ़नी है एटम की तो अपन शेल के हिसाब से पढ़ेंगे, अगर हायर शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम है, जिस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम होगा उसको निकालना भी इजी होगा, अपन ने यही तो कहा शेल रूल में, ये फोर्थ शेल है ये थर्ड शेल है, अगर फोर्थ शेल होगा तो ऑब्वियस ही बात है वो तो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा थर्ड शेल के कंपैरिजन में, तो फिर उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा। तो हमेशा एटम की जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे ना वो किससे पढ़ोगे, शेल रूल से, ओनली फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन पढ़ेंगे राइट आफ्टर प्रिंसिपल। अब इसमें कुछ टर्म यूज होते हैं जैसे पैरामैग्नेटिक राइट ना, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का मतलब हो गया सो पैरामैग्नेटिक नेचर, सो एनी एटम और एलिमेंट, सो एनी एटम आयन और मॉलिक्यूल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है ना, और इसमें एक और वर्ड यूज होता है डायमैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक नेचर का मतलब होता है एनी एटम और मॉलिक्यूल डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अपन उसे कहते हैं डायमैग्नेटिक, तो उसका डायमैग्नेटिक नेचर होता है। So what is paramagnetic nature, what is diamagnetic nature, अपन बता सकते हैं। अब अपन कहेंगे ठीक है सर ये paramagnetic होता क्या है पहले तो ये बताओ, तो अपन क्या करेंगे, जैसे हम सबको पता है कि भाई अगर किसी ऑर्बिटल में एक ऐसे इलेक्ट्रॉन है तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है राइट, और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसको अपन अनपेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो अपन को पता है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में एक का स्पिन इस तरफ होगा दैट इज प्लस 1/2, तो दूसरे का स्पिन इस तरफ होगा दैट इज -1/2, और जनरली अपन ऐसे लिखते थे नॉर्थ और साउथ पोल लिखते हैं, और इसमें साउथ और नॉर्थ पोल होता है, तो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इन दोनों के बीच में इनका मैग्नेटिक स्पिन जो है वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि एक इस तरफ होगा और दूसरा इस तरफ होगा तो उनके मैग्नेटिक स्पिन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तभी तो वो एक छोटे से रीजन में दोनों इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन हो जाता है क्योंकि उनके मैग्नेटिक स्पिन कैंसिल हो गया। मैंने ये नहीं कहा कि उनका चार्ज कैंसिल हो गया, मैंने कहा उनके मैग्नेटिक स्पिन कैंसिल हो गया। जब कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका मैग्नेटिक स्पिन कैंसिल नहीं होता है, तो पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जब अपन किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ये मैग्नेट अपन को पता है हर एक मैग्नेट का अपना एक फील्ड होता है, बाकी आप बना लोगे ऐसे ऐसे वो फील्ड ट्रैक ऐसे ऐसे अपन को पता है,
जब अपन किसी एटम को इस फील्ड में रखेंगे तो वो एटम जो होगा ना वो फील्ड से इंटरेक्ट करके ऐसे, क्योंकि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल तो हुआ नहीं, तो उसमें तो मैग्नेट वो खुद अपने आप में एक मैग्नेट जैसे बेव कर रहा होगा, तो अगर मैग्नेट जैसे बेव करेगा तो जैसे ही इसके फील्ड में आएगा वो ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, डिफ्लेक्ट करेगा इसका मतलब उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ऐसे या तो बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा, और होगा तो बिल्कुल समझ में भी नहीं आएगा। थोड़ा सा तो दिख रहा है, देखोगे तो थोड़ा सा हिल रहा है, मतलब अगर नेग्लिजिबल डिफ्लेक्शन या नो डिफ्लेक्शन तो डायमैग्नेटिक होता है। कैसे पता चलेगा? मैग्नेटिक फील्ड में रख के देख लो। सो मैग्नेटिक कैरेक्टर इज कैलकुलेटेड है ना, सो व्हेन एटम और आयन इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड शोज डिफ्लेक्शन, शोज डिफ्लेक्शन, देन इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इन नेचर, एंड इफ नो डिफ्लेक्शन और नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल डिफ्लेक्शन, देन इट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है ना? So, या तो डिफ्लेक्शन होता ही नहीं है या फिर बहुत कम, नेग्लिजिबल डिफ्लेक्शन। बोलो सर, मॉलिक्यूल्स में भी ऐसा होता है? सभी में होता है, तो मैंने मॉलिक्यूल भी लिखा है, देन इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो अपन को पता चल गया कि भाई कैसे अपन को बताना है पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। वो होते क्या है, अपन को ना ये वर्ड बताने, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक कोई नहीं पूछने वाला, कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, अपन से पूछेंगे बताओ इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है, देख लेंगे। अपन क्या करेंगे इसमें, अपन बताएंगे पैरामैग्नेटिक में, पहले अपन लिख लेते हैं द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी एटम, और मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट करते हैं उससे, सो द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी एटम और आयन is calculated as equal to under root of n into n plus 2 Bohr magneton. उससे अपन कैलकुलेट कर, वो यूनिट है बोर मैग्नेटॉन, मैग्नेटिक मोमेंट। सो अपन को अगर मान लेते हैं n का वैल्यू 1 है, देन म्यू विल बी इक्वल टू 1.73 bm Bohr magneton, n का वैल्यू 2 है तो we'll write that mu will be equal to 2.87 bm, n का वैल्यू 3 है तो then mu will be equal to 3.97 bm, n का वैल्यू अगर 4 आया तो अपन कहेंगे then mu will be equal to 4.85, और n का वैल्यू अगर 5 आया तो अपन लिखेंगे mu will be equal to That is 5.87 इस टाइप से। वैसे तो अपन को अगर n गिवन है हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे ये वैल्यू, प्रॉब्लम नहीं है अपन को, और अगर मैग्नेटिक मोमेंट भी अपन को गिवन होगा तो अपन उसका स्क्वायर करके इनमें, लेकिन इसमें क्वाड्रेटिक बनेगा। तो अगर मुझे मैग्नेटिक मोमेंट का ये वैल्यू गिवन है यहाँ पर, इसका म्यू का वैल्यू गिवन होगा तो अपन उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करके इसको स्क्वायर लेके n square plus 2 n आएगा तो quadratic equation बन जाएगी। तो अपन कहेंगे अपन quadratic equation को नहीं solve करने वाले, तो अपन को देखो साफ साफ दिख रहा है जो भी number of unpaired electron है ना यहाँ पर, तो decimal के पहले वाला number जो है ना वो number of electron unpaired electron के बराबर है, mu का value 5.87 तो 5 है, तो decimal के पहले वाला number ही number of unpaired electron होता है अगर magnetic moment का value given है। तो अपन बता दें कि भाई अगर मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू गिवन है तो व्हाट विल बी द राइट मैग्नेटिक। अब अपन लिखेंगे, जैसे मान लो अपने पास सब ये था तो अपन को पता था इसमें आप नियॉन लिखोगे वो तो नियॉन तो 10 हो गया तो 3s2p5 लिखा। अब अपन को पता है कि भाई नियॉन तक तो सारे के सारे पेयर्ड होंगे, 3s2 में 3s2 completely filled होगा तभी तो p में इलेक्ट्रॉन डाले, तो अपन क्या करेंगे जो लास्ट वाला
ऑर्बिटल होता है ना, सबशेल होता है, उसकी ऑर्बिटल को लिखना पड़ेगा और देख लेंगे कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जैसे पी है, क्या अनपेड है? तो पी है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2, 3, 4, 5 एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया, सो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर इसमें 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो अपन कहेंगे देखो भाई सीएल एटम पैरामैग्नेटिक भी है और उसमें मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 पी है। 1.73 कैसे होगा? तो कितना होगा बताओ? √3 1.7 बोलो कोई वन अनपेड इलेक्ट्रॉन 3.9। हाँ सर 3.9 होगा ना थर्ड शेल में। क्या बोल रहा है? कहां पर है थर्ड शेल? मैंने यहां पर क्या लिखा n, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भैया वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पर जो n है ना, n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो यहां कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? ठीक है कैलकुलेट कर लो और कैलकुलेट कर लो तो 1.73 आ गए, राइट? यस सर। ये हो गया नियॉन और ये हो जाएगा 3s2 और p6, ये तो डायमैग्नेटिक हम। ये वाला दोनों ही डायमैग्नेटिक, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं। बताओ Fe पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? Fe सर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा सर? 4.65। ये 3d6 है, तो 3d6 का मतलब है अब d ऑर्बिटल तो 5 बनते हैं ना। हाँ बनते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए 3d6 में? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो फिर दिस इज पैरामैग्नेटिक इमेज, तो ये पैरा हो गया, ये भी पैरा हो गया और ये भी पैरा हो गया, लेकिन इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, एक और हटाना पड़ेगा। तो ये वाला 6th वाला इलेक्ट्रॉन था ना, यही था ना अपने 1, 2, 3, 4, 5, तो दो इलेक्ट्रॉन जब Fe3+ लिखेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन इससे हटाओगे और इससे 6th वाला इलेक्ट्रॉन हटाओगे, तो 6th वाला इलेक्ट्रॉन मतलब इधर से हटाओगे तो D5 होगा, तो ये वाला तो D6 हो गया, ये भी D6 था, ये भी D6 था, देयर पैरा, और ये भी D5 होगा, तो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 इधर लिखा था 6 वाला हटा दिया तो 5 हो गया। इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट 5.87 होगा। इसका इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कितने होगा? यस सर। आप निकल में बताओ जल्दी से, मैग्नेटिक मूवमेंट और पैरामैग्नेटिक दोनों का? सर पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मूवमेंट होगा 2.87। लो भाई सबको समझ में आ गया? यस यस सर। अब रुक ना, पहले सुन लेना, और ये पैरामैग्नेटिक है एंड 2.87 भी है, अभी हम लिखा है तो ऑब्वियसली बातें हो रही है, और इसमें पैरा एंड 3.90 BM। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना, गुड। देखो मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं, अब बिल्कुल समझ में आ गया एक बात है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे।
अब पता क्या होता है, जैसे अब मैं ये तो अच्छा अच्छा एक मिनट और, एक मिनट और अपन एक बात और बोल सकते हैं ना, जो पैरामैग्नेटिक होते हैं एटम मॉलिक्यूल और आयन, आर कलर, मतलब जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो कलर भी होते हैं, कौन सा कलर होता है नहीं बता सकते लेकिन कलर होता है, और जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो कलरलेस होते हैं। तो मैंने आपको बताया ही है कि अगर पैरामैग्नेटिक है तो वो कलर्ड भी होता है, तो अगर अपन से पूछे ना कभी बताओ कौन से एटम कलर्ड होंगे, तो अपन कहेंगे देख भाई कलर तो तभी हो सकते हैं जब वो पैरामैग्नेटिक होंगे, तो अपन को पैरामैग्नेटिक कैलकुलेट करना तो आता है एटम को और आयन का। तो अगर आपसे कभी कलर पूछा जाए ना कि बताओ इनमें से कौन कौन से एटम कलर्ड होंगे, तो आप मैग्नेटिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर लेना, जो पैरामैग्नेटिक होंगे वो कलर्ड होंगे, ये अपन बता देंगे। अब बताओ सर ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन वो स्टेबल नहीं होते ना, तो उनकी एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो ट्रांजिशन शो करते रहते होंगे डिफरेंट शेल्स में, और डिफरेंट शेल्स में ऊपर नीचे जाएंगे तो कुछ वेवलेंथ इमिट करते होंगे, और कुछ वेवलेंथ उनमें से जो होंगे वो विजिबल रीजन में होंगे, तो दिखते हैं विजिबल रीजन में होंगे इसलिए। वैसे थोड़ा मना ही करने वाला छोड़, मतलब बाद में बता दूंगा, लेकिन ठीक है जब तक बोर्ड साफ कर रहा हूँ कुछ तो बोलोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ना अपन ने मतलब थोड़ा सा मतलब एक पार्ट को अपन ने कलर से भी, इट इज वन ऑफ द फैक्टर टू प्रेडिक्ट द कलर, तो ठीक है ना कि अगर पैरामैग्नेटिक होता तो कलर होता ही होता है, तो अगर कभी भी अपन से किसी एटम मॉलिक्यूल के कलर के बारे में पूछेंगे बताओ ये कलर होगा कि नहीं, एक बार तो चेक कर लेंगे कि यार पैरामैग्नेटिक है कि नहीं। अब अपन चेक करते हैं एनर्जी ऑफ सब्सटेंस, तो अपन कहेंगे देखो सर आपने पहले ही बताया था, आप सबसे पहले एस को फिल करते हो, मतलब एनर्जी ऑफ एस इज लेस देन एनर्जी ऑफ पी इज लेस देन एनर्जी ऑफ डी इज लेस देन एनर्जी ऑफ ई, एनर्जी ऑफ S, P, D, ये एनर्जी ऑफ एस, एनर्जी ऑफ पी, एनर्जी ऑफ डी एंड एनर्जी ऑफ राइट, इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस लेस होता है लेकिन इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस लार्ज होता है। बट इन दोनों में स्मॉल डिफरेंस, मतलब अल्टरनेट में ज्यादा डिफरेंस होता है, मतलब अगर मैं कहूंगा तो पी और डी में कम डिफरेंस होगा लेकिन पी और एफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इन दोनों में स्मॉल डिफरेंस होगा लेकिन इन दोनों में लार्ज डिफरेंस होगा, मतलब जो अल्टरनेट टाइप होते हैं ना जैसे एस से पी छोड़ दो डी में बहुत ज्यादा डिफरेंस एनर्जी, P और F में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, S और D में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, और S और F में तो ठीक है ना बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा अपन, ठीक है तो करेंगे। हाँ तो पहले इसको फिल करते हैं, फिर इसको फिल करते हैं, फिर इसको फिल करते हैं, फिर इसको फिल करते हैं किसी भी शेल में। हाँ तो किया ना, पहले S को फिल किया, फिर P को फिल किया, फिर D को फिल किया, तो अब क्या? तो अब ना अपन पढ़ना चाहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सब्शन, ऑफ सब्शन ये पढ़ना चाहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ द सब्शन ये पढ़ना चाहते हैं। तो अपन कहेंगे जो पॉलीफिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल,
ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ज्यादा ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू हाफ फिल्ड से ऑर्बिटल्स से, और वो ज्यादा स्टेबल होते हैं पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो अपन कहेंगे सर ये फुली फिल्ड और पार्शियली फिल्ड एक बार बता दो, तो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं पी सब शेल। अपन ले लेते हैं एग्जांपल फॉर पी सब शेल, डी भी ले सकते हैं कोई भी ले सकते हैं। अगर अपने पास पी सिक्स है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि पी सिक्स में क्या होगा, ये सारे के सारे फिल्ड अप होंगे और सभी इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट भी कैंसिल होंगे, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन है, इन दोनों में अट्रैक्शन है, इन दोनों में अट्रैक्शन। हाफ फील्ड होता है तो अपन कहते हैं उसमें इस तरीके से हाफ फील्ड, या तो ऐसे लिखेंगे अपन या फिर ऐसे लिखेंगे, दोनों लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये भी हाफ फील्ड है, वो भी हाफ फील्ड है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल की बात अगर अपन करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, ये भी पार्शियली फिल्ड है, ये भी पार्शियली, मतलब इन दोनों के अलावा कुछ भी होगा तो पार्शियली फिल्ड है। हाफ फिल्ड का मतलब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, फुली फिल्ड का मतलब सारे में दो दो इलेक्ट्रॉन, और उसके अलावा जो भी कंडीशन है वो सब पार्शियल, वो सब पार्शियल, ऐसे भी है तो भी पार्शियल, उसके अलावा कोई भी कंडीशन होगा तो अपन कहेंगे पार्शियल फिल्ड हो जाएगा, ऐसे है तो भी पार्शियल, कोई भी कंडीशन। पार्शियली फिल्ड का मतलब हो गया इन दोनों के अलावा, ये हाफ फिल्ड है, ये पार्शियल है, पी थ्री को ओपन करते हैं हाफ फिल्ड, पार्शियली फिल्ड ये तो पी टू हो गया, ये पी फाइव हो गया, ये पी फोर हो गया, ये सब पार्शियल, पी वन हो गया, पी टू हो गया, पी फाइव हो गया, पी राइट ना, लाइक दैट वी कैन राइट द पार्शियल। अब स्टेबिलिटी, किसी भी ऑर्बिटल के स्टेबिलिटी के दो रीजन होते हैं, रीजन फॉर स्टेबिलिटी, मतलब रीजन फॉर स्टेबिलिटी, तो ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी के दो रीजन होते हैं, एक तो होता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग ऑर्बिटल, अमंग ऑर्बिटल्स। तो अपन क्या बोलते हैं, The orbitals which have same energy, the orbitals which have same energy can exchange the electron among them. Among them. तो जिनकी energy same होती है वो अपने electron को exchange कर सकते हैं आपस में। Exchange of electron is an exothermic phenomenon, and the exchange of electron is an exothermic phenomenon. Exchange of electron is an exothermic phenomenon. मतलब exchange of electron क्या है तो अपन देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मेरे पास ऐसे given है, यहां पर मैं कहूंगा इन सबकी एनर्जी एक जैसी है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन मैं इनसे ऑर्बिटल से भी एक्सचेंज कर सकता हूं, या पर इससे, मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन को उधर ले जाओ और इस वाले को इधर ले आओ, या इस वाले को उधर ले जाओ या उधर वाले को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, तो वो आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। उससे इट इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, तो एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी कम हो एक्सचेंज होने से, उसे और ज्यादा प्रॉबर्टी मिल रही है ना, और ज्यादा इधर उधर जाने की प्रॉबर्टी मिल रही है ना, फ्रीनेस मिल रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। हाँ सर, तो यहाँ सिक्स इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है सर, एक्सोथर्मिक कैसे होगा सर? एक्चुअली अगर किसी को ज्यादा फ्री छोड़ दिया जाए तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी होती है उसकी, मतलब उसकी शैतानियां कम ही हो जाएगी अगर फ्री रहेगा,
तो अपने पास अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे तीन ऑर्बिटल्स हैं मेरे पास, तीनों में से अगर मैं तीनों की एनर्जी सेम है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, बिल्कुल पता है। तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में इधर से इधर एक्सचेंज हो सकते हैं। ये अपन कहेंगे कि भाई ये एटम जो है रोटेट होता रहेगा तो ये एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इस टाइप से वो एक्सचेंज करते रहते हैं। होगा क्या इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही रहेंगे ना, और किसी भी ऑर्बिटल में या स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही रहेंगे, तो फिर लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहने के बाद भी अगर वो स्पिन अपना मतलब ये अपने एक दूसरे अगर एक्सचेंज करेंगे, ये इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर भी जा सकता है, एक्सचेंज हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर सिर्फ इसमें रहता तो उनके आपस में रिपल्शन होते। भाई अगर कोई मुझसे पूछेगा कि बताओ ये दोनों जब इन दोनों में दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल है या इन दोनों में इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल है, तो मैं क्या बोलूँ? लास्ट के दो इनमें, क्योंकि वो अलग अलग ऑर्बिटल में है तो उनमें रिपल्शन कम है। सर लेकिन रिपल्शन तो फिर सबसे ज्यादा पहले इसमें होगा ना, क्योंकि उसमें तो अट्रैक्शन ज्यादा। किसमें रिपल्शन तो इसमें ज्यादा होगा ना? नहीं सर, उसमें तो अट्रैक्शन होगा ना, दोनों का स्पिन अलग अलग है ना। हाँ तो सर, तो अगर इसका क्लॉकवाइज है, एक का मतलब प्लस हाफ है और एक का माइनस हाफ, तो आपने प्लस हाफ और माइनस हाफ करके मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल किया है, चार्ज थोड़ी कैंसिल कर दिया। चार्ज सेम है तो रिपल्शन होगा। हाँ सर, तो सेम है ना। तो अगर ये आपस में एक्सचेंज करेंगे तो इनके बीच में जो चार्ज का रिपल्शन है वो डोमिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कभी भाग के उधर जाएगा, वो भाग के इधर आएगा, तो इसका मतलब है इनके बीच में डिस्टेंस बनता रहेगा, और वो डिस्टेंस अगर आता रहेगा तो उस केस में स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा, बोलो सर, बट एनर्जी रिलीज नहीं होगा ना ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होने से? क्यों, अगर रिपल्शन कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज नहीं होगी? हाँ सर, तो फिर सर ऑर्बिटल का एनर्जी चेंज हो जाएगा ना? ऑर्बिटल का एनर्जी क्यों चेंज होगा, वो तो तीनों का डिस्टेंस एक जैसा है न्यूक्लियस। ओके सर, भाई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से इधर उधर भाग रहे ना, इसका इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ज्यादा स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे ना इलेक्ट्रॉन भागने से, ज्यादा स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो उनके बीच का रिपल्शन भी कम होगा। तो फिर कहेंगे सर अगर ये तीनों हैं तो या ऐसे हैं तो फिर इन दोनों में एक्सचेंज हो सकता है, तो इसमें टू इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा बस, क्योंकि जिनकी एनर्जी सेम होगी बस वही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो सकता है, बाकी जगह नहीं हो सकता। ऐसे होगा तो अपन ये लिखा हुआ साफ साफ आपने कि मतलब चिन्ह और बटल्स की एनर्जी सेम होती है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ होगी, तो यहां पर फोर इलेक्ट्रॉन तो अनस्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी इससे अपन बता सकते। एक और फैक्टर होता है जिसमें अपन कहेंगे जिस पर डिपेंड करता है स्टेबिलिटी, रीजन फॉर स्टेबिलिटी, दैट इज सिमेट्री। दैट इज सिमेट्री, the symmetric orbitals are most of the or always we say that agar kisi bhi even agar apan kahenge koi solid hai, agar koi solid mein symmetry hai to wo zyada stable hoga, symmetry always leads to stability, so apan kahenge symmetry always leads to stability, it always leads to stability। So actually अब अपन कहेंगे जैसे फुली फिल्ड ऑर्बिटल है तो ये ज्यादा सिमेट्रिक है हाफ फिल्ड से, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा सिमेट्रिक होंगे पार्शियली, क्योंकि पार्शियली फिल्ड में किसी एक ऑर्बिटल का एनर्जी तो डिफरेंस हो ही जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, तो सिमेट्री की वजह से अपन कहेंगे इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इसमें, अब अपन कहेंगे यहाँ तो फोर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो थ्री इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, यहाँ फोर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, यहाँ थ्री इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, तो फिर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है जबकि यहाँ चार इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ सब ऑर्बिटल का एनर्जी एक जैसा है, यहाँ
दो ऑर्बिटल का एनर्जी एक जैसा है, बाकी एक का डिफरेंस है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन. तो दिस इज रिपीट कर सकते हो, यहाँ पर सारे ऑर्बिटल का डिस्टेंस एक जैसा है, एक एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या हुआ, लेकिन इसमें दो ऑर्बिटल एक जैसे हैं और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, अनसिमेट्रिकल हो गया ना. यस सर. मतलब सिमेट्री का जो फैक्टर है, जो सिमेट्री के फैक्टर है सर, वो ज्यादा डोमिनेंट है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन. बिल्कुल, तो अपन कहेंगे सिमेट्रिक जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए तो दोनों को दिया, तो वो सिमेट्री की वजह से है. तो अपन बता सकते हैं ये लीड्स टू स्टेबिलिटी. अब अपन कहेंगे ठीक है, ओके वी गॉट इट, कि कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ फिल्ड से लेंथ ऑफ कंटैक्ट. ठीक है, अब अपन कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, है ना. अब ये पार्ट आपको पता है कि कौन सा ऑर्बिटल कैसे फिल्ड होता है और किसकी स्टेबिलिटी क्या होती है. अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो चलो भाई अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जो आपने बताया उसमें, उससे अपन को क्या समझना है. तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस. अब जैसे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीएल एटम लिखते हैं, तो सीएल एटम में तो ये 17 होता है, तो इसको अपन लिखेंगे 1s2, 2s2, p6, 3s2 और p5. ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, राइट. अब अपन कहेंगे सर जैसे अपने पास ये है, ऐसे ये भी लिख सकते हैं. Fe तो 26 लिखा था आपने, तो ये होगा 1s2, 2s2, p6, 3s2, p6 और 4s2 और 3d6. ये तो मुझे पता है, अभी लिखा, दोनों ही लिखे थे अपने अभी. अब मैं लिखूंगा Cr, दैट इज 24. तो अपन लिखेंगे 1s2, 2s2, p6, 3s2, p6, 4s2 एंड 3d4. ये है अपने पास, ठीक है. अब अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो सर, हमें एक बात पता है कि एस और डी में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, और डी का एनर्जी बहुत ज्यादा होगा एस के कंपेरिजन. ये डी सिक्स है और एस का एनर्जी बहुत कम होगा डी के कंपेरिजन. डी का एनर्जी बहुत ज्यादा है. अगर डी का एनर्जी बहुत ज्यादा है और एस का एनर्जी कम है, इट इज लाइक दैट कि भाई एस का एनर्जी जो है, अब अज्यूम कर लेते हैं, ये 2 है, ये 5 है, तो अपन कहेंगे ये अपने लिए 18 हो गया और ये अपने लिए 30 हो गया. इस टाइप से बता देते हैं, तो इस टाइप से डिफरेंस मतलब अपन ने ले लिया एक डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस ले लिया अपन ने, अज्यूम कर लिया. तो अपन कहेंगे इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. अगर मैं इसको थोड़ा सा अनस्टेबल बना लूं और इसको ज्यादा स्टेबलाइज कर दूं, क्योंकि इसके स्टेबिलिटी मेरे लिए ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको स्टेबलाइज करना ज्यादा जरूरी होता है, रादर देन जिसकी एनर्जी कम है वो पहले से स्टेबल होगा. तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिस्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि फुली फिल्ड से हाफ फिल्ड किया, लेकिन इसको पार्शियली फिल्ड से हाफ फिल्ड कर देंगे. मतलब मैं एक इलेक्ट्रॉन इससे लेके इसको दे दूंगा. क्यों? क्योंकि एस और डी में बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है. ऐसा अपन सिर्फ एक ही मतलब एडजस्टमेंट में ही कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि जब इधर से उठा के उधर दे देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते. तो अपन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लेके इससे दे दिया, इसको इससे दे दिया और इसको हाफ फिल्ड बना दिया. फुली फिल्ड था लेकिन वैसे ही एनर्जी इसकी ज्यादा तो कम थी नहीं, बहुत ज्यादा एनर्जी तो होती नहीं, थोड़ा सा अनस्टेबल भी बनाएंगे तो कितनी एनर्जी बढ़ेगी, 2 से 3 हो जाएगा और क्या होगा एनर्जी. लेकिन जब ये हाफ फिल्ड होगा तो ये सीधा 16 से 8 आ जाएगा, एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. तो अपन कहेंगे हम क्या करेंगे कभी कभी कि किसी किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करेंगे, यहां तक तो यहां पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहां से लिखे यहां ये सेम, लेकिन इसमें मैं इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करूंगा सो दैट अगर मैं ए, और ये एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर सकते, दो नहीं कर सकते कभी,
अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने से एक बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, दूसरा थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, तो कर दो, उससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो मैं कहूंगा सर, हाँ बोलो सर, पर वो एस वाला ऑर्बिटल फोर्थ शेल में, तो फोर्थ शेल का तो एनर्जी ज्यादा होता है ना थर्ड शेल से। हाँ तो और भी अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन और पास आएगा न्यूक्लियस के, तो एनर्जी रिलीज होगी। बोलो। ओके सर। मैं तो मतलब मैं बोलना नहीं चाह रहा था, कई बार क्या होता है ज्यादा बोलने से कंफ्यूजन ज्यादा होता है, चुप रहो, मतलब मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ कि यार चुप रहो, रुको, अभी धीरे धीरे मैच्योर भी हो जाओगे ना तुम लोग, फिर फटाफट समझोगे क्या बोलते हैं सर और क्या समझना होता है, ठीक है ना, इसलिए मैं चुप था। हाँ मैं ये बोल रहा था। हाँ बोलो सर, तो हम बाकी के एलिमेंट्स के साथ क्यों नहीं करते? करते हैं ना, कब नहीं करते, कि सबके साथ कर रहा हूँ मैं तो। देखो मैं बाकी के साथ भी करने वाला हूँ, 1s2 2s2 p6 3s2 p6 4s2 और 3d9। मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसको देने वाला हूँ, ये हाफ फिल्ड करूंगा तो ये फुली फिल्ड हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, हियर आल्सो दिस इज करेक्ट, इनकरेक्ट, दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब मैंने कहा था एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर सकते हो, तो इधर क्या करूं, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें दे दूं ताकि वो हाफ फिल्ड हो जाए, वो दो से ज्यादा लेते ही। अब इसके एक इलेक्ट्रॉन उसको देने से क्या फायदा, वो तो पहले से ही पार्शियली फिल्ड है, और पार्शियली फिल्ड बनाने का क्या फायदा? तो अपन कहेंगे सर अच्छा बताओ इसमें क्यों नहीं कर सकते, लो इसमें भी करूंगा मैं, तो मेरी मर्जी, अब लो आप क्या करोगे, अब कर दिया ना हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड। तो अपन कहेंगे देख भाई ये जो ऑर्बिटल है ना इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, एस और पी में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, इसलिए किसी को अनस्टेबल बना के दूसरे को स्टेबलाइज करना नहीं होता, उसमें एनर्जी डिफरेंस तब होता है जब आप एस और पी में चेंज करें या पी और एफ में चेंज करें, तो करना नहीं तो नहीं करना, क्योंकि जब एनर्जी डिफरेंस लार्ज होगा तो किसी एक को स्टेबल बनाने से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अगर 3s1 और 3p6 क्या तो वो गलत हो जाएगा? अच्छा और क्या गलत है? वो गलत है, ये सही है। एडजेसेंट में कभी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं होंगे, जो भी आसपास है ना ऑर्बिटल, ये वाले इन दोनों सबशेल में कभी एक्सचेंज नहीं होगा, इन दोनों में कभी एक्सचेंज नहीं होगा, इन दोनों में कभी एक्सचेंज नहीं होगा। आप इसमें और इसमें कर सकते हो, आप इसमें और इसमें कर सकते हो। कब बोलो सर? पीडी में भी नहीं होगा, पीडी में भी नहीं, मना किया ना मैंने कि इन दोनों में एडजेसेंट में कभी नहीं होगा। ओके सर। सर पर पीडी का एनर्जी डिफरेंस तो ज्यादा है ना, है ना, लेकिन अपन कहेंगे भाई पी का भी तो इंपॉर्टेंस है, अब वो तो न्यूमेरिकल डाटा मैंने ऐसे ले लिया था, जरूरी थोड़ी वैसा नंबर कभी नहीं मिलता आपको, ये नंबर अपन को कोई नहीं देने वाला, वो तो मैंने बस एक एक्सप्लेनेशन के लिए ले लिया था, ऐसे नहीं बताना कभी, बस अपन ये बता सकते हैं लार्ज एनर्जी डिफरेंस स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, मतलब बाजू वाले ऑर्बिटल्स में एक्सचेंज नहीं करेंगे ना, सबशेल, बाजू वाले सबशेल में एक्सचेंज नहीं करेंगे। ओके सर। और ऐसे भी नहीं करना कि मैं 1s से इलेक्ट्रॉन उधर ले जाऊं, ऐसा नहीं होगा, आपने न्यूक्लियस में 1, 2, 3, 4 4s से इलेक्ट्रॉन को 3d में लेके आए हो, मतलब आप इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास लेके आए हो, मतलब इट विल बिकम स्टेबल। तो ऐसे नहीं करना सर, उसको हाफ फिल्ड क्यों, उसको फुली फिल्ड रहने देते हैं, ये 1s का एक इलेक्ट्रॉन उधर ले जाते हैं, अब बताओ मेरी मर्जी, अरे इलेक्ट्रॉन दूर क्यों ले जाओगे, उसमें पास आ रहा था इसलिए हो रहा है, राइट? तो ठीक है, खत्म, एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म, अब रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है अपन को, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर अब
डाउट डिस्कस कर लें इसको, लिख लो तो फिर मैं। अच्छा और एक और बात, अभी अपने पास एक्सेप्शन दो ही है और कोई मतलब अपन क्लास में भी तुम लोग ना ग्रुप पे डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था अभी पढ़ाया नहीं, अभी रुको, तो वहां बता भी नहीं सकते थे ना इतना सारा। सबको समझ में आया? और किसी के साथ नहीं करता ऐसा? अभी एटॉमिक नंबर 32 तक पढ़ रहे हैं। ओके सर, इतना ही करते हैं ना अभी, मतलब अपन एकदम से एकदम बिल्कुल ऐसे नहीं करते ना, पूरा 12th क्लास तक आप पढ़ा रहा था बिल्कुल, तो गड़बड़ हो जाएगी। सर नेचर में भी इलेक्ट्रॉन जैसे अरेंज रहते हैं? ये इनकरेक्ट का मतलब वो होता ही नहीं है, ऐसे ही होता है। ओके सर, मतलब अगर कोई ये लिख के बताए अपन को, हाँ कभी कभी वो ऐसे लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट, तो बल्ब लगेगा पता नहीं कुछ ऐसा तो नहीं एग्जाइटेड एग्जाइटेड कुछ कर दिया होगा, ग्राउंड स्टेट का ये होता होगा, नहीं ये होता ही नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही होता है ग्राउंड स्टेट में। मतलब अगर क्रोमियम का अपन से पूछेंगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अपन यही बताएंगे बस, और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अगर तो पहले इसका एक इलेक्ट्रॉन बाद में इस इलेक्ट्रॉन, जैसे आयन बनाते हैं अपन, पता है अपन को। अब ये बताओ डाउट्स कर लें सर, ये मैं एडवांस के लिए एटॉमिक नंबर कितने तक याद होना चाहिए? 32 ठीक है, तो होमवर्क कर लें सर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ लेते ना, पूरा हुआ ही नहीं। हाँ सर, सर हुआ नहीं, बहुत पूरा नहीं हुआ सर, वो आयोन वाले पार्ट जो आज पढ़ाए थे। हाँ सर, पैरामैग्नेटिक थे, फिर आज सरप्राइज मिल गया टेस्ट का सर, रेडियो एक्टिविटी पढ़ तुम लोगों से जो स्कूल नहीं जाते ना इंटीग्रेटेड वाले ना, 15th जुलाई हो गया है अब ना, अब तो इंटी में भाट लगाने वाला हूं क्योंकि ये लोग स्कूल भी नहीं जाते, होमवर्क भी नहीं करते और मजे करते हैं। सर किया होमवर्क? चिंता मत करो, अब किया है नेक्स्ट वीक ना जो इंटीग्रेटेड वाले बच्चे हैं उनका और वीक शुरू कर दूंगा, अभी शुरू कर दूंगा। नेक्स्ट वीक से टाइम टेबल चेंज हो जाएगा? अभी टाइम टेबल चेंज होगा ना, वो यार तो मैंने कहा तो यार 2 घंटे की क्लास, तो देखते हैं क्या होता है। अब बोलो बैचेस भी सेपरेट हो जाएगा? हां बैचलर बैच सेपरेशन में अभी, अब मुझे पता क्या लगा है, AP2 बैच आज तुमसे आगे था, पता AP2 बैच सुबह पॉलिस प्रिंसिपल भी पढ़ चुका है, वो स्टेबिलिटी पढ़ रहा था, मतलब AP2 बैच तुमसे आगे था अगर ये क्लास नहीं होती तो, और AP3 बैच श्रोडिंगर इक्वेशन पे आ गया इतनी जल्दी। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा ना कि तुम्हारी क्लास कम हो रही है उनकी क्लास ज्यादा हो रही है। हमारी क्लास टाइम टेबल के हिसाब से सही हो रही थी पर बीच में कैंसिल हो जाती है। बीच में कहां कैंसिल होती है? हां सर बहुत बार, कभी एक दो बार ही हुई है, ज्यादा नहीं। पर कैंसिल होके रिपीट क्लास भी तो हुआ था। हां कैंसिल होता है तो रिपीट क्लास भी तो होता है। अरे यार बड़ी क्लास होती है तो मजा आता है, छोटी क्लास में पता नहीं। हां उनके बड़े क्लास होंगे, बड़े क्लास तो फिर वहीं से अगर शुरू करते हैं तो उसको रिवाइज करने में भी टाइम जाता है। अभी हाँ, तो छोटे क्लास में ज्यादा टाइम निकलता है और बड़ा क्लास होगा तो उसमें रिवाइज नहीं करना पड़ता ना, थोड़ा बहुत रिवाइज करके फटाफट खत्म होता है। चल रेडियो हाँ वही तो बहुत है, बात है ना, चलो देखते हैं कुछ। चलो अपन रेडियो एक्टिविटी करते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज
एलिमेंट विच कैन एमिट अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडिएटिव सब्सटेंस रेडिएटिव सब्सटेंस रेडिएटिव सब्सटेंस इट इज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकर And the first element isolated in the lab, by Madame Curie and his and her husband, Madame Curie. By ore of uranium ठीक है वो यूरेनियम सल्फेट होता है कॉल्ड यूरेनियम सल्फेट बट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशंस आर एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड But the properties of rays are explained by Rutherford. They are explained by Rutherford. तो Rutherford ने एक experiment किया था. अभी ना व्हाट विल हैपन उसने क्या किया ऐसे एक अब तो सिर्फ बना लेते हैं कि क्या किया होगा उसने बाकी एक्सपेरिमेंट तो काफी अच्छा होता है ऐसे उसने एक ब्लैक बॉक्स बनाया और उसमें से अपन उसने इसको बंद भी कर लिया और इसमें रेडिएटिव एलिमेंट रखा अपन यूरेनियम अज्यूम कर लेते हैं सर क्या ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वाला सेट आता है नहीं अच्छा वो हाँ हाँ जिसमें अल्फा पार्टिकल अपन ने बताया था बिल्कुल 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 yes. तो ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट तो रदरफोर्ड ने क्या किया यहाँ से जो इससे रेज निकल रहे थे उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ा ग्राफिक प्लेट ये फोटोग्राफिक प्लेट होगा तो ये जो रेडिएशन होंगे ना इससे जो निकल रहे होंगे कुछ रेडिएशन तो स्ट्रेट जा रहे होंगे और कुछ रेडिएशन डिफ्लेक्ट हो रहे होंगे और कुछ रेडिएशन काफी पहले डिफ्लेक्ट हो रहे होंगे तो जो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे थे वो अल्फा थे जो कम डिफ्लेक्ट हो रहे थे वो बीटा थे और जो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे वो गामा रेडिएशन अब इसको अपन ऐसे भी बता सकते हैं कि अपन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ नेगेटिव लगा देता हूं तो ये अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम आयन होता है वो तो अपन को पता है तो ये इस तरफ आ जाएगा क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है तो वो नेगेटिव की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा था बीटा जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है क्योंकि बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन होता है तो ये राइट साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा था पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ वो एनोड की तरफ रिफ्लेक्ट और गामा कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था तो अपन अज्यूम कर सकते हैं गामा इज न्यूट्रल उस पर कोई चार्ज तो इन प्रॉपर्टीज के रेज जो इन प्रॉपर्टी इन रेज के जो प्रॉपर्टीज थे दैट वाज डिस्कवर्ड दैट वाज एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड तो इसमें क्या था कि भाई अपन को बताया गया कि प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ कोई बहुत ज्यादा तो पूछने वाला है नहीं अपन से थोड़ा सा मतलब अपन को बस आइडिया रहे अल्फा बीटा और गामा रेज
अल्फा बीटा एंड गामा रेज। तो प्रॉपर्टीज में अपन कहेंगे भाई जैसे अल्फा रेज हो गया तो अपन चार्ज की बात कर लेते हैं। अल्फा रेज में तो पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये तो नेगेटिवली चार्ज होता है और ये न्यूट्रल होता है। तो अपन लिखेंगे भाई इट इज डिनोटेड बाय, इसको नोटेशन क्या होता है डिनोटेड बाय क्या, तो ये तो हीलियम आयन होता है या हीलियम न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं अपन, हीलियम न्यूक्लियस ठीक है। इसको डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन से और इसको डिनोट करते हैं दैट इज एनर्जी से, एच ऐसे गामा रेडिएशन। अब मास अपन को, ये तो मासलेस होगा, तो अगर अपन मास की बात करें तो इसका मास तो 4 mu होता है और ये तो 9.1 × 10⁻³⁻¹ kg होगा जबकि ये मासलेस, ऑलमोस्ट मासलेस, मासलेस। वैसे भी आपने फोटॉन्स लिखे हुए हैं तो आप मासलेस तो बताओगे बताओगे। फोर्थ पॉइंट में अपन लिख लेते हैं वेलोसिटी, लिख लेते हैं इनका। तो इनका वेलोसिटी जो होगा है ना, तो इसका वेलोसिटी विल बी अराउंड 2 × 10⁻¹⁷ मीटर पर सेकंड। दिस विल बी अराउंड 2 इनटू दैट इज विल राइट दैट 3 × 10⁻¹⁷ लाइक दैट ना 7 मीटर पर सेकंड, तो नियरली कर देते हैं। और इनकी वेलोसिटी जो होती है दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दैट इज नियरली द वेलोसिटी ऑफ लाइट उस टाइप से। तो आयनाइजिंग पावर की बात करेंगे, आयनाइजिंग पावर तो अपन कहेंगे देखो भाई अल्फा पार्टिकल जो है ना इसमें मास ज्यादा है तो जब किसी को हिट करेगा तो आयनाइजिंग पावर का मतलब है कि किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे अच्छा कौन होगा, तो अपन कहेंगे जिसका मास ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को हिट करके उसको इजेक्ट करवा देगा, तो अपन कहेंगे हाई, ये मॉडरेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हिट करके अपन को थोड़ा सा पार्टिकल का मास कम हो गया तो ये मॉडरेट और इसमें लो आयनाइजेशन पावर है। इसमें अपन कहेंगे भाई अगर मान लो कि जैसे कोई रेडिएशंस है, अब तीनों रेडिएशंस में से सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन सा होगा, तो जो ज्यादा पेनिट्रेट कर सकता है हमारे बॉडी को, मतलब हमारे बॉडी को इजीली पास कर सकता है वो ज्यादा, जो बॉडी में स्किन को ज्यादा, स्किन स्केलेटल को ज्यादा पेनिट्रेट करे वो ज्यादा हार्मफुल होता है, और ज्यादा पेनिट्रेट कौन करेगा जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो अपन कहेंगे इसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करें अगर अपन, तो अपन कहेंगे इनका तो पेनिट्रेशन इफेक्ट लो होता है, कैन पेनिट्रेट थ्रू, थ्रू थिन फॉइल्स, thin foils, या अपन कहेंगे thin that is through paper, है ना, जो paper वगैरह होता है उससे ये penetrate कर सकता है, उससे pass कर सकता है, penetrate मतलब उनको pass कर जाएगा। इसमें moderate होता है, so through metal foils, thin मेटल फाइल, तो ये तो मेटल फाइल को भी पास कर सकते हैं, लेकिन गामा जो होता है उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट बहुत हाई होता है, सो इसमें हाई पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा एंड इट कैन पास थ्रू इवन 20 सेंटीमीटर थिक लेड शीट, इवन पास थ्रू 20 सेंटीमीटर थिक लेड शीट। तो अगर थिक लेड शीट भी होगा 20 सेंटीमीटर का तो उसको भी पास करके चला जाएगा, दैट इज गामा रेडिएशन। तो सबसे ज्यादा हार्मफुल हमारे लिए गामा रेडिएशंस होंगे, है ना, तो जनरली दैट इज अबाउट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। सर बोलो सर, जिसका मास ज्यादा होगा वो भी ज्यादा पेनिट्रेट कर पाएगा, जिसका मास ज्यादा होगा वो पेनिट्रेट ज्यादा तो नहीं कर पाएगा, थोड़ा ही कर पाएगा। भाई एक मोटा आदमी एक पतला आदमी है ना, तो जो ज्यादा तेज भाग के जाएगा और स्ट्राइक करेगा कहीं तो ऑब्वियसली बात है वहां पेनिट्रेशन ज्यादा सर, पर मोमेंटम
मोमेंटम, हाँ तो मोमेंटम होगा तो अपन कहेंगे अगर मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो मोमेंटम तो दोनों पर डिपेंड करेगा, मैं तो भागने की बात कर रहा हूँ, है ना। तो जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा वो जाके बहुत स्पीड से पेनिट्रेट करेगा, जैसे अपन ने कहा था कि अपन वो अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल की तरफ फेंक रहे थे, तो अगर वेलोसिटी ज्यादा था तो वो ज्यादा न्यूक्लियस के पास जाके पेनिट्रेट कर रहा था, वेलोसिटी कम होगा तो पेनिट्रेशन कम हो जाएगा। सो दैट इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशन। तो आयोनाइजेशन पावर की एक बार बताओ ना। आयोनाइजेशन पावर मतलब जैसे भाई आप एटम है आपके पास, तो एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो अपन क्या कहेंगे भाई, अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो आपको हिट करना होगा इसको, भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इसको हिट करके इसको बाहर रिजेक्ट करवाना है, तो जितना ज्यादा बड़ा पत्थर होगा उतना इजीली इस पत्थर को मैं इजेक्ट करवा लूंगा, मतलब बड़े पत्थर से छोटा पत्थर इजीली इजेक्ट हो जाएगा, तो बड़े मास से छोटा मास इजीली इजेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा मास किसका है, हीलियम, है ना। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका राइट ना आयनाइजिंग पावर, मतलब वो इलेक्ट्रॉन के निकालने से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब वो आयनाइजिंग पावर होता है, एटम को आयन में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी को अपन कहेंगे आयनाइजिंग पावर, दैट इज कॉल्ड आयनाइजिंग पावर। सर हाँ बोलो सर, वो डिनोटेड में जो सॉरी डिनोटेड में वो गामा रेस में एच न्यू क्या, वो एनर्जी से, वो मतलब सिर्फ रेडिएशंस होते हैं, ये रेडिएशन किसी को डाउट है, तो ये अपने प्रॉपर्टीज है। अब ना जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसमें अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एमिशन, सो टाइप्स ऑफ एमिशन इन द रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो अपन कैसे अल्फा बीटा एमिशन होने से क्या होता है वो देखते हैं। सो हमें इसमें ना इस चैप्टर में अभी जो अपन को पढ़ना है ना रेडियोएक्टिविटी में, उसमें एक तो प्रॉपर्टीज पढ़ना था और दूसरा पार्ट अपन को जो पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ एमिशन, कि अगर अल्फा एमिशन होगा तो व्हाट विल हैपन टू द रेडियोएक्टिव एलिमेंट सो दैट इट कैन शो द अल्फा एमिशन, या फिर अल्फा एमिशन होगा तो बताओ रेडियोएक्टिव एलिमेंट का क्या होगा, दैट इज अल्फा एमिशन और बीटा एमिशन, लाइक दैट वी कैन राइट। सो लेट अस राइट दैट टाइप्स ऑफ एमिशंस, एमिशन For each alpha emission from the radioactive element. The atomic mass, that is, we can write the mass number, decreases by 4 unit and atomic number by 2 units। मतलब अगर आप एक अल्फा एमिशन करोगे, मेरे पास सपोज एक एलिमेंट एग्जांपल ले लेते हैं, एलिमेंट एक्स है, ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसका मास नंबर है, इससे अगर मैं अल्फा एमिशन करूंगा, एमिशन का मतलब अल्फा निकल जाएगा, तो ये अपन ने अल्फा निकाल दिया, एक अल्फा में अपन 4 मास नंबर लिखते हैं और 2 उसका एटॉमिक नंबर है, आपने लिखा भी वही है, तो जो एलिमेंट यहां नया बनेगा तो इसका मास नंबर जो होगा वो 4 यूनिट डिक्रीज हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 यूनिट डिक्रीज हो जाएगा। तो जो अपने पास पैरेंट न्यूक्लियाई था, जो पैरेंट एटम था, उसको न्यूक्लियर बोल सकते हैं,
उससे जो नया एलिमेंट बनेगा, जो नया एलिमेंट को अपन जनरली डॉटर एलिमेंट बोलते हैं, तो अगर किसी एटम से एक अल्फा इमिशन होगा तो उसका मास नंबर 4 यूनिट से कम हो जाएगा और उसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट। रेडियोएक्टिव इमिशंस जो होते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे ये बैलेंस होना चाहिए, इन दोनों को ऐड करोगे तो ए के बराबर होगा, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। तो अगर किसी एलिमेंट से सपोज अपन करते हैं 4 अल्फा इमिशन हुए, तो ठीक है 4 अल्फा इमिशन का मतलब इसको 16 डिक्रीज कर दूंगा और इसको 8 डिक्रीज कर दूंगा। अगर 4 अल्फा इमिशन होगा तो इसको अपन 4 लिख लेंगे, बोलो दूसरा अपन लिख सकते हैं सेकंड, दैट इज बीटा इमिशन। सर और एक एग्जांपल दीजिए। और एक एग्जांपल में अपन कहेंगे ठीक है भाई ये लो मेरे पास गिवन है दैट इज पोलोनियम, पोलोनियम इज 84 और इसको अपन लिख लेते हैं भाई पोलोनियम इज 84 और ये हो जाएगा अपने पास 250। तो आप ऐसे एक अल्फा मिशन कर लो, तो अल्फा मिशन करोगे तो एक एलिमेंट जो बनेगा नया एलिमेंट, क्योंकि अल्फा आप ऐसे करोगे ये 4 हो गया या 2 हो गया, तो यहाँ जो एलिमेंट आप बनाओगे उसका एटॉमिक नंबर 2 कम होना चाहिए। उधर 84 था मतलब इधर जो भी एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 82 होना चाहिए, तो ये बन जाएगा एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट, ये 84 था तो 82 हो जाएगा और ये 4 यूनिट मतलब 211 हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो मैंने उसको x और y दिया। क्या ऐसे सारे एलिमेंट्स के साथ कर सकते हैं? रेडियोएक्टिव होना चाहिए, रेडियोएक्टिव होगा तो अपन ने पोलोनियम रेडियोएक्टिव होते ना, राइट, इसलिए मैंने उसके साथ किया। बाकी हाँ अल्फा मिशन आप कोई भी लिखोगे, अगर एलिमेंट हाइपोथेटिकली तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, तो किसी भी एलिमेंट से अगर अल्फा मिशन होगा तो अपन ऐसे लिखेंगे उसमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर कैसे चेंज बताएंगे वो बताएंगे। यस सर, अंडरस्टूड। फॉर ईच बीटा मिशन सर जो मास लिए वो हाइपोथेटिकल मास है या फिर एक्चुअल है? हीलियम है तो एक्चुअली तो होगा, हीलियम का मास 4 एम ही होता है ना, तो डिक्रीज करते रहो। नहीं सर वो नहीं, वो 215 पोलोनियम का। नहीं नहीं एक्चुअल लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर सर, पोलोनियम 209 होता है ना शायद, 230 209 बिस्मथ होता है। टू जीरो एट तो लेड होगा और फिर उनके आइसोटोप रेडियोएक्टिव है तो आइसोटोप भी होगा। अब यूरेनियम है तो क्या लिखूं मैं तो 235 से लेकर 238 तक कुछ भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी, सारे यूज करते हैं, तो कौन सा बताऊं? तो मैं लिखेंगे फॉर ईच बीटा एमिशन द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, बाय 1 यूनिट। But there is no change in atomic mass and no change in atomic mass. Atomic mass में कोई change नहीं। ठीक, तो अपन कहेंगे अगर अपने पास example लिखें, तो मैं इसको लिख लूँगा that will be अगर मेरे पास एक element given है A और Z, तो जो नया element बनेगा वो Z plus 1 होगा और ये A ही रहेगा। ये बीटा पार्टिकल को अपने डिनोट भी किया था, दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस, दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस, तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा अगर बीटा एमिशन। फिर अपन लिखेंगे सपोज अपने लिए गामा एमिशन, सो नो चेंज इन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर and atomic, but more stable nuclei is formed, but more stable
एटम इज फॉर्म. तो ज्यादा स्टेबल एटम बनेगा तो अपन को कैसे पता चलेगा, तो एनर्जी रिलीज होगी ना, एटम इज फॉर्म ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें x है, ये a है और ये z है, और ये मतलब अपन कहेंगे x ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं, बट इसमें जो रेडिएशंस बाहर निकलेंगे तो ये जो एनर्जी रिलीज होने की वजह से इट इज एक्सोथर्मिक, तो ये लेस एनर्जी मतलब मोर स्टेबल निकलेगा, ये एनर्जी रिलीज होगी. तो अगर किसी से सिर्फ गामा रेडिएशन होता है तो एनर्जी रिलीज होगी, अगर एनर्जी रिलीज नहीं हुआ तो नहीं हुआ गामा रेडिएशन. बोलो सर. नहीं समझ. नहीं समझा मतलब उसमें क्या है, इसकी एनर्जी 10 किलो जूल से, इसकी एनर्जी स्टेबल कैसे हो गया, ये रेडिएशन निकले ना तो रेडिएशन का मास होता है ना, ओके सर. भाई रेडिएशन होगी तो उनकी एनर्जी होगी ना, एनर्जी होगी तो मास होगी ना, मास कम हो गया इसका मतलब न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल हो गया, राइट. तो मैंने तो समझा ही नहीं, और मैं ऐसा कुछ नहीं समझा रहा तुमको कि मतलब क्या हो गया क्या नहीं हो गया, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि बीटा एमिशन से क्या होता है, अल्फा एमिशन से क्या होता है, स्टेबिलिटी वगैरह की तो बात ही नहीं कर रहा मैं कि नहीं समझा नहीं समझा, उसमें अपन को कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ आपको बताया है अल्फा से क्या होता है, बीटा से क्या होता है, गामा से क्या होता है, पॉजिट्रॉन एमिशन है ना. तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ जो फैक्ट है कि भाई एमिशन से ये होता है, तो पॉजिटिव एमिशन से एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय वन यूनिट, बाय वन यूनिट, एंड नो चेंज इन एटॉमिक मास, एट मास नंबर, नो चेंज इन मास, मास मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, पॉजिटिव एमिशन लिखा होगा तो अपन कहेंगे ठीक है मेरे पास x है, a है, z है, और इसको कन्वर्ट करता हूं y में, इसमें तो कोई चेंज नहीं है लेकिन मास नंबर एक इंक्रीज होता है, और इसको अपन कहते हैं s, this plus this will be equal to this. तो ये जो पॉजिट्रॉन जो है वो ऐसे डिनोट किया जाता है, पॉजिट्रॉन जो है वो ऐसे डिनोट होता है, राइट. तो पॉजिट्रॉन का जो सिंबल है, जैसे अपन ने कहा ना गामा का सिंबल ये होगा, बीटा का सिंबल ये होगा, तो अल्फा का सिंबल वो होगा, वैसे पॉजिट्रॉन का सिंबल ये होता है. अब अपन लिख सकते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी बोलते हैं अपन इसे, ये अपन के कैप्चर भी बोलते हैं इसे, और के कैप्चर, के कैप्चर. तो इसमें एटॉमिक नंबर द सेम थिंग है जो इसमें लिखा था वो इसमें भी होता है, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय वन यूनिट एंड नो चेंज इन मास नंबर, इन मास. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई जैसे इसमें लिखा वैसे इसमें लिख देता हूँ, लो हो गया. अब बस ये बता दो ये के कैप्चर है क्या, कैप्चर से इलेक्ट्रॉन कैप्चर, अपने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, कैप्चर किया तो एमिट करेंगे तो राइट हैंड साइड पे होगा, निकल गए एमिशंस, कैप्चर का मतलब है वो एब्जॉर्ब करेगा, तो इसने एब्जॉर्ब किया है. तो हम कहेंगे ये y बनेगा, ये a रहेगा, लेकिन ये z माइनस वन, एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो गया इलेक्ट्रॉन कैप्चर. तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं ना, बस मैं तो बता तो रहा हूँ तुमको कि भाई मैं तुम्हें बता थोड़ी रहा हूँ, मैं तो ये फैक्ट बता रहा हूँ कि ऐसा होता है. हाँ वो ई के नीचे माइनस वन, ई के नीचे माइनस वन है, बिल्कुल है. ओके सर. ले भाई तो ये होते हैं अपने ट्रांजिशन, मतलब अल्फा बीटा गामा. जो अब अपन क्या करते हैं ना, चलो ठीक है आपने मुझे बता दिया भाई किस में क्या होता है, अब एक आध एग्जाम्पल भी डाल दो
ताकि मुझे सारी चीजें अच्छे से पता चल जाए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास ना एक कॉपर न्यूक्लियस, कॉपर 29 होता है और ये 64 है, ऐसे कर लेते हैं। कॉपर है अपने पास और अपन इसको कॉपर का अपन को मास नंबर भी दे रखा है और एटॉमिक नंबर भी दे रखा है। अब अपन क्या करते हैं ना, कॉपर से एक बार अल्फा नेशन, एक बार बीटा नेशन, एक बार गामा नेशन, एक बार पॉजिट्रॉन एमिशन, और एक बार अपन के कैप्चर। ठीक है, चलो लेते हैं प्रोडक्ट। इसमें प्रोडक्ट बनेगा एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट, तो अपन किसी भी एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर से पहचानते हैं, ये होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, ठीक है, तो जिंक बन गया होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 29 से 30 हो जाएगा, ये बीटा एमिशन। तो ये गामा एमिशन, गामा एमिशन में अपन कहेंगे भाई कॉपर ही रहेगा लेकिन न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि रेडिएशन निकल गए तो मोर स्टेबल। पॉजिट्रॉन एमिशन में आपने कहा एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट, तो यहां मैं निकल 28 लिख लेता हूं और ये 64 होगा प्लस 1 आ जाएगा। पता इन दोनों को अगर अपन चेक करेंगे ना, तो आप बीटा को इलेक्ट्रॉन ही तो बोलते हो, तो जब बीटा एमिशन बोलेंगे ना अपन तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन माइनस 1 वाला होगा। पॉजिट्रॉन एमिशन को आप ऐसे भी बोल सकते, बीटा एमिशन मतलब बीटा नेगेटिव ही होता है, लेकिन बीटा अब दोनों का मास तो सेम होगा ना, जितना इलेक्ट्रॉन का मास इधर होगा उतना इधर भी होगा, लेकिन ये पॉजिटिव के फॉर्म में एमिट हुआ और ये नेगेटिव के फॉर्म में। एक्चुअली बीटा एमिशन बीटा नेगेटिव ही होता है, अगर सिर्फ बीटा लिखा है तो अपन बीटा नेगेटिव ही अज्यूम करेंगे, लेकिन अगर बीटा पॉजिटिव लिखा है तो अपन फिर पॉजिटिव एमिशन बताएंगे कि वो पॉजिटिव एमिशन। तो अपन ये कभी नहीं सोचने वाले सर बीटा तो दो टाइप के होते हैं, अगर बीटा लिखा है तो वो बीटा नेगेटिव ही है, बीटा पॉजिटिव लिखा हुआ तो अपन कहेंगे कि अच्छा पॉजिट्रॉन की बात कर रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो अपन कहेंगे ठीक है इलेक्ट्रॉन कैप्चर में भी मैं इसको लिखूंगा निकल दैट इज 28 और ये लिखूंगा 64, लेकिन इसमें आपने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया मतलब मैं प्लस एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर, ये आपने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया। अब अपन कहेंगे ठीक है सर ये एटॉमिक नंबर वगैरह चेंज हो रहे हैं, इनको जरा बताओ ये है क्या, ये सब चल क्या रहा है ना, ये सब चल क्या रहा है। अपन क्या कहेंगे, अच्छा देखो एक बात है, अगर मैं बीटा एमिशन करूंगा ना तो लार्ज न्यूक्लियाई ब्रेक्स इनटू टू न्यूक्लियाई, अपन क्या करेंगे भाई, हीलियम भी एक एटम होता है, कोई रेडिएशन थोड़ी होता है, हीलियम भी एक एटम होता है, मतलब आपने उसके न्यूक्लियस को तोड़ दिया, न्यूक्लियस को हिट करके आपने तोड़ दिया, आपने अलग अलग एटम बनाए वहां पर, तो इसका मतलब जब अल्फा मिशन होता है ना तो न्यूक्लियर चेंजेस होते हैं और न्यूक्लियस को आप ब्रेक करते हो एक छोटे एटम में, तब अल्फा मिशन होता है। मतलब कहीं भी अगर अल्फा मिशन लिखा होगा इसका मतलब आप किसी बड़े एटम के न्यूक्लियस को तोड़ रहे हो एक छोटे न्यूक्लियाई में और दूसरा एटम बना रहे, बताऊंगा मैं कैसे है अभी, लेकिन ये पता चल गया अच्छा अल्फा मिशन होता है तो न्यूक्लियस टूटते हैं। अब एटॉमिक नंबर कैसे बढ़ जाएगा विदाउट इंक्रीजिंग द प्रोटॉन, ये सारे के सारे रेडियोएक्टिव रिएक्शन, रेडियोएक्टिव रिएक्शन का मतलब हो गया न्यूक्लियर रिएक्शन, हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं, आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो अपन कहेंगे सर ऐसे कैसे एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, ऐसे ही थोड़ी होता है एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, हाँ तो अपन ने कहा ना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ेगा, हाँ तो प्रोटॉन कैसे बढ़ा होगा इसमें, तो बीटा एमिशन में जो प्रोटॉन बढ़ा होगा वो ऐसे बढ़ा होगा, अपन ने एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट किया होगा, मतलब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तभी तो एटॉमिक नंबर बढ़ा, एटॉमिक नंबर अपने आप थोड़ी बढ़ जाएगा ऐसे, अच्छा बीटा एमिशन होगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा,
ऐसे थोड़ी होता है। तो अपन क्या करेंगे कि भाई देखो जो भी करना है वो न्यूक्लियस में ही करना है, तो अगर किसी न्यूक्लियस से बीटा एमिशन हो रहा है इसका मतलब है कि उसमें एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो ये देखो बैलेंस है, इधर वन है तो इधर वन प्लस जीरो भी वन है, इधर जीरो है तो वन माइनस वन भी जीरो है, मतलब प्रोटॉन को ऐसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन, मतलब एटॉमिक नंबर तभी बढ़ेगा ना जब कहीं अपन न्यूक्लियस चेंज करेंगे भाई, एटॉमिक नंबर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि अच्छा ठीक है बीटा एमिशन है तो याद रख लो, भाई ये कुछ तो हुआ होगा ना न्यूक्लियस के अंदर, क्या हुआ एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है मान लिया, और ये जो रेडिएशन है ये रेडिएंस के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है यहाँ पर तो स्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है रेडिएशन मतलब जो इसमें ये है इसमें मतलब बहुत कम सेकंड के लिए रेडिएशंस निकलते हैं और वो स्टेबल हो जाता है, तो उतना अपन से डिटेल में अभी नहीं पूछने वाले, मैं आपको कभी बताऊंगा। तो इसमें क्या हुआ सर, देखो भाई जो भी है अगर एटॉमिक नंबर कम हो रहा है ना इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन तो चेंज हो रहा है, प्रोटॉन का चेंज बताओ, और प्रोटॉन कम होने का मतलब है मैं क्या करूंगा कि भाई आप प्रोटॉन को ऐसे लिखोगे और एमिशन मतलब आप ऐसे लिखने वाले, देखो आपने एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर लिया और पॉजिट्रॉन एमिशन हुआ, एमिशन हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा राइट। अब अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, इसमें आपने एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट किया, प्रोटॉन कम हो गया इसलिए एटॉमिक नंबर कम हो गया, इसमें क्या हुआ तो अपन क्या करेंगे ना, देखो जैसे न्यूक्लियस होता है ये पॉजिटिव है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब होता है, एक दो तीन बहुत सारे शेल बना सकते हैं। अच्छा बताओ बोर ने फर्स्ट शेल को क्या लिखा था, याद है ना अपन को बोर ने फर्स्ट शेल को क्या लिखा था? यस सर। यस सर। तो अपन कहेंगे कि देखो दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना फर्स्ट शेल में, फिर सेकंड शेल में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ज्यादा बन गए हो तो कम कर लेना मुझे नहीं पता, ठीक है ना ऐसे मेरे ख्याल से एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ठीक है तो अब देखो अपन क्या करेंगे जब किसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि जो प्रोटॉन होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं न्यूट्रॉन से, तो ये क्या करेंगे ये फर्स्ट शेल जो के शेल में इलेक्ट्रॉन होता है ना इसको न्यूक्लियस में पुल कर लेते हैं, ये जब प्रोटॉन और हम बना सकते हैं इसे एटम और बनाते भी हैं पर, तो जब ये इसको अपने अंदर पुल करेगा क्योंकि प्रोटॉन बहुत ज्यादा थे न्यूट्रॉन से तो प्रोटॉन कम करना था मुझे, तभी तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन को के सेल से कैप्चर कर लिया उसने, जब इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा तो ये इधर फॉल करेगा, ये इधर फॉल करेगा तो इससे रेडिएशन निकलेंगे, इससे रेडिएशन निकलेंगे। अब इन रेडिएशन को क्या बोलते हैं अपन, तो हम कहेंगे भैया हमें नहीं पता कौन से रेडिएशन है, आपकी मर्जी आप जो चाहे लिख लो, तो अपन जैसे बोलते हैं ना एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दो वही होते हैं, मतलब जो एक्सरेज होते हैं ना, जो एक्सरेज होते हैं ना वो ऐसे बनते हैं, अपन गोल्ड में क्या करते हैं और गोल्ड का प्रॉपर्टी होता है, गोल्ड में अपन क्या कर सकते हैं बहुत सारे प्रोटॉन बढ़ा सकते हैं न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में, तो वहां पर क्या होता है जब अपन थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, रेडिएशन निकलेंगे, एक्सरेज निकलेंगे, अपन उन रेज में हाथ रखेंगे अपने हाथ का एक्सरेज आ गया, और जब इसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर हो जाएंगे वो गोल्ड खराब हो गया, मतलब खराब नहीं हुआ लेकिन उसमें प्रोटॉन ज्यादा नहीं है वो एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो प्लेट बदलेंगे फिर, इसलिए तो एक्सरेज करवाना थोड़ा कॉस्टली होता है, तो एक्सरेज कोई रेस थोड़ी होते हैं, वो तो उधर से गिरे तो उसको समझ में नहीं आता क्या है, तो उसने कहा एक्सरेज बोल दो, कौन सा रेस है एक्सरेज, वो एक्सरेज होता है सर। बोलो एमआरआई में क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस से होता है वो, अलग है वो, पार्टिकल रेजोनेट करते हैं वहां पर मैग्नेटिक रेजोनेंस में राइट, सीटी स्कैन अब रुक जाओ राइट सारा कुछ सोच ही रहता है, आप कोई बोलते ही है कि सर सीटी स्कैन में क्या होगा, फिर तो ये कह रहे हैं कि सर एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो विल द एटॉमिक नंबर डिक्रीज इन केस ऑफ बीटा एमिशन,
बीटा एमिशन में तो अपन ने न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट किया ना, तो प्रोटॉन को बढ़ाया है आपने। अगर आप प्रोटॉन को बढ़ाओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, बढ़ाया। इसलिए तो मैंने आपको न्यूक्लियर चेंजेस बताए, यहां पर इलेक्ट्रॉन कैप्चर बताया आपको क्या है, एक्सरेस प्रोड्यूसर्स एक्सरेस, ये लो भाई आपको सारे न्यूक्लियर चेंजेस पता चल गए। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे, प्रोड्यूसर्स एक्सरेस, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर था और ये इसका रिएक्शन, दैट इज व्हाट वी हैव डन। ये आपका टाइप्स ऑफ एमिशन, अभी मैं क्या होता है सारे पूछेंगे, ठीक है अभी अब रहने दो, ठीक है थोड़ी देर में ब्लैक फंगस पे आ जाएंगे, उसमें क्या होता है और ऐसे हो जाएंगे, फिर मजे आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो भाई अब आज रुक जाते हैं, नेक्स्ट बैच के बच्चे ज्वाइन करना शुरू कर दिए सर। एक्सरे